वेलकम बैक फ्रॉम स्टोर। आज का जो ट्रैक है वो है फ्रॉम स्टोर टू अल्लाह वाली लेक, और रोड की कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब है, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये रोड, और मेरे ख़्याल में सुबह अर्ली मॉर्निंग बारिश हुई है और ये गारा जमा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल वालों के लिए। स्टोर को जो है वो इन्हें डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये इनका सबसे बड़ा, इस एरिए का सबसे बड़ा सिटी है, ये वैली कह लें इसे। इन्होंने पत्थर डाला हुआ है और इसका टेंडर वैसे हो चुका है, तो मैक्सिमम साल के अंदर अंदर या 6 माह में ये बन जाएगी रोड। आज वेदर भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। ये लैंडस्लाइडिंग से मेरे ख्याल में रास्ता बंद हुआ है और बाद में इन्होंने इसको ओपन किया है। यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उसको ओपन कर देते हैं। जो अल्लाह वाली लेक है उसको रास्ता जा रहा है नीचे एमपी चेक पोस्ट से, तो नीचे चलते हैं एमपी चेक पोस्ट पे, वहाँ से हमने राइट टर्न लेना है अल्लाह वाली लेक के लिए। काफ़ी बम्पी रोड है भाई, वो आपका नाश्ता खाना सब हज़म हो जाता है। पी चेक पोस्ट से मैंने राइट टर्न ले लिया है और 20 किलोमीटर्स है ये फ्रॉम स्टोर, तो देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। ये जा रहा है जी स्टोर रिवर, ये स्टोर रिवर जाके गिरेगा इंडस रिवर में, दरियाए सिंध जिसे कह लें आप, और अगर इस तरह की हमें रोड मिल जाए तो क्या ही बात हो, लेकिन अल्लाह वाली लेक को रोड नहीं जाती, ट्रैक कच्चा है। अभी तक तो जो ट्रैक है वो बहुत खूबसूरत है और कच्चा रोड से बल्कि पक्का रोड मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में शायद आगे कच्चा रोड मिले। काफ़ी ज़्यादा हाइट है, बाइक का ज़ोर लग रहा है। अभी ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स मैंने कर लिया है, 20 किलोमीटर्स का पैच है, तो 10 किलोमीटर्स पे तो रोड बना हुआ है, आगे देखते हैं। अब मैं तो कच्चा रोड एक्सपेक्ट कर रहा था, तो चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है
और गाड़ी का तो खैर इतना ज़ोर नहीं लगेगा अगर ये पक्का रोड बन मिल जाता है मतलब, और बाइक का जो है वो तो काफ़ी, क्योंकि स्टीप काफ़ी ज़्यादा है। मेरे ख्याल में आगे कच्चा ट्रैक, हमारी ख्वाहिशें के ऊपर जो है वो पानी फिर गया और 10 किलोमीटर तक ही ये ट्रैक बना था, उसके बाद आगे का जो ट्रैक है वो कच्चा ट्रैक स्टार्ट हो गया। तो माजरत के साथ आप इस पे नहीं आ सकते, गाड़ी के ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है, गाड़ी की तो नेस्त बज जाएगी। इन्होंने पत्थर डाला हुआ है शायद सड़क बनाने के लिए, और अभी तक सड़क तो बना नहीं, लेकिन यह है कि व्यूज़ कमाल है, कमाल के व्यूज़ हैं थ्रू आउट, जितना भी है आपको रास्ता वो वैलीज वाला और ग्रीनरी आपको मिलती है, और वो नीचे दरिया जा रहा है, दरिया कह लें, ये लोकल जो है इसको नाला कहते हैं। अनएक्सपेक्टेडली न्यू रोड बना है अल्लाह वाली लेक का, दरमियान में कुछ कच्चा पैच भी है और अभी मुकम्मल रोड ये नहीं बना, तो देखते हैं आगे अब किस तरह का रोड मिलता है, लेकिन पीछे भी उन्होंने पत्थर डाला हुआ है, और उम्मीद है कि हमारा ये सफ़र इस पक्के ट्रैक पे गुजर जाएगा। कमाल का व्यू है, रोड को देख के मुझे वो फ्रेज़ याद आ गया कि डिफ़िकल्ट रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, और इतने बड़े बड़े पत्थर बाहर निकले हुए हैं, तो मोटरसाइकिल के और मेरे तो दोनों के धुएँ निकल गए, लेकिन अब ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर रह गया। बाइक हो गई है हीटअप, तो ये अभी पत्थर वाला 2 किलोमीटर का ट्रैक अभी रहता है, ट्रैक तो भी काफ़ी लंबा है, लेकिन सिर्फ वही पत्थर वाला रोड है ये तो चढ़ जाएगा, तो वापस चलते हैं, बाइक को ठंडा करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। मैं कह रहा था अगर थोड़ा सा रह गया तो हाइकिंग कर लेते हैं, चलें।
बाइक यहाँ पे पार्क करते हैं और चलते हैं अल्लाह वाली लेक की तरफ। मेरे ख्याल में यही ट्रैक जाता है। हाइकिंग है थोड़ी सी इस पहाड़ के उस तरफ, अल्लाह वाली लेक होनी चाहिए। ट्रैकिंग करते हैं, स्लिपरी है भाई। बोलो ट्रैकिंग करके जब आप पहुंचते हैं अल्लाह वाली लेक पे तो वर्थ इट प्लेस है भाई। अभी यहाँ पे टूरिस्ट कम आते हैं, गंद भी कम है और नेचर भी है। अभी वो सामने जानवर हैं,